नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, एनवायरनमेंट के कंपाइलेशन का क्रम हमारा स्टार्ट हो चुका था और इसका फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया था, ये सेकंड पार्ट है। और इसमें कुछ वन लाइनर फैक्ट्स को देखने के बाद हम इसका जो इकोसिस्टम वाला हिस्सा है उसे कवर करेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो वन लाइनर डाटा हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, लेकिन यहाँ कुछ बच गया है, दो लाइन मतलब दो पॉइंट्स बचे हुए हैं। असल में पहला जो पॉइंट है वो आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देगा और दूसरे वाले में हम बायोटिक इंटरेक्शन को देखने वाले हैं। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ सक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सक्सेशन अकर्स इन एन एरिया वेयर देयर इज नो प्रीवियस कम्युनिटी। वहाँ पर पहले से कोई कम्युनिटी रह नहीं रही, या फिर रही हो किसी ज़माने में लेकिन उसका समूल वहाँ से जड़ से वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई, तो वहाँ कुछ नहीं बचा। जैसे आग लग गई और जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वहाँ के वो खत्म हो गए, वहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ खाली एक जली हुई ज़मीन बची। उसके बाद धीरे धीरे एक बार फिर से जो क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं और तमाम परिवर्तन होते हैं, उसके बाद वहाँ वेजिटेशन का ग्रोथ शुरू हो जाता है, यानी पौधे आगे बसना शुरू हो जाते हैं। पहले बीज आते हैं, फिर उनके लिए अनुकूल दशा बनती है, उन्हें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का साथ मिलता है और उसके बाद वो अपना वेजिटेशन वहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं और प्रोड्यूसर जहाँ पर होंगे वहीं पर कंज्यूमर होंगे, तो धीरे धीरे करके कंज्यूमर्स आने लगते हैं और ऐसे एक फूड चेन डेवलप होती है। मतलब पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, उसके बाद उन्हीं पर आश्रित रहने वाले जो सेकेंडरी और टर्शियरी हैं वो अपने आप खींचे चले आएंगे, तो वहाँ एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम डेवलप होने लगेगा। तो ये है पूरी चीज़, उसी को यहाँ थोड़ा परिभाषा के तरीके से बताया गया है। अब आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन फॉर्म ऑन एग्जिस्टिंग, यहाँ आप देखिए फॉर्म्स ऑन एग्जिस्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो जो पहले से नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पर जम गया है या आकर पहले से बसा हुआ है उसी के आधार पर डेवलप होता है। और जैसा वेजिटेशन होगा, जिस तरह का होगा, उसकी डेंसिटी जैसी होगी, उसका जो एक्सपेंशन है वो जितना होगा, उसी के हिसाब से वहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन डेवलप हो पाएगा या फिर ठीक तरीके से हो पाएगा। अब बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है? तो बायोटिक इंटरेक्शन रिफर टू द इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज़ में भी होता है और डिफरेंट स्पीशीज़ में भी होता है। तो जो सेम स्पीशीज़ वाला है उसको इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ में होता है तो उसको इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो कंपटीशन होगा। अगर दो सेम स्पीसीज हैं, मतलब दो प्राणी हैं एक ही स्पीसीज़ के, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, और उनकी आवश्यकताएं भी एक जैसी हैं, और ये ऑब्वियस ही बात है कि अगर स्पीशीज़ एक है तो उनकी जो ज़रूरतें हैं वो लगभग एक जैसी होंगी, तो इसके लिए उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, खींचतान होगी उसी रिसोर्स को लेकर कि नहीं वो हमें चाहिए, नहीं वो हमें चाहिए, कोई भी उसमें से जो भारी पड़ेगा वो कब्जा जमाना चाहेगा। अगर डिफरेंट स्पीसीज है तो भी उनका, ये हमने देखा था ना ऊपर कि हैबिटेट एक हो सकता है लेकिन निके अलग अलग होगा, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होती। यहाँ उनका जो नीचे या निके है वो भी सेम हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तब दिक्कतें आती, तो इसलिए कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन होता है। उसके अलावा आप देखें कि प्रिडेशन और पैरासिटिज्म भी होता है, म्यूचुअलिज्म भी होता है। इसके अलावा सिम्बोसिस होती है, इसके अतिरिक्त कमेंसलिज्म होता है, न्यूट्रलिज्म होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये क्रमवार तरीके से होती हैं और अंततः रिजल्टेंट के तौर पर हम देखते हैं कि उसमें से कोई एक स्पीशीज़ जो है वो उजड़ जाती है, यानी उस जगह को उसे छोड़कर वहाँ से भागना पड़ता है और वो दूसरी जगह चली जाती है और वहाँ जो भारी पड़ता है वो जम जाता है। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब जिसके पास ताकत है वही भैंस ले जाएगा, यानी वही संसाधनों पर कब्जा करेगा। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि प्रकृति में होता रहता है और उसी की हम स्टडी कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं अभी इकोसिस्टम को। अब इकोसिस्टम क्या होता है, यानी पारितंत्र की बात हो रही है, तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है या हम कह लें कि मदर नेचर, तो इसमें अलग अलग स्पीशीज़ हैं, वो अपने अपने ग्रुप के अंदर, अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर रहती हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो इन नेचर सर्वल कम्युनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। इनका आपस में इंटरेक्शन होता है तभी जाकर ये सर्वाइव कर पाती हैं। अगर ये एक दूसरे से कट कर रहेंगे तो इनका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं। और ये न सिर्फ आपस में इंटरेक्शन करते हैं बल्कि जो इनके आसपास का फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके साथ भी इनका इंटरेक्शन होता है, तभी जाकर ये अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन को कर सकते हैं, मतलब अपने लिए रिसोर्सेज गेन कर सकते हैं या लंबे समय तक बने रह सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के जीवों के साथ या अपनी कम्युनिटी के जीवों के साथ तो इनका इंटरेक्शन होता है, साथ में एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो अगल बगल वाली फूड चेन के जीव हैं
उनके साथ भी ये तालमेल बैठा के रखते हैं कि मान लीजिए कि अपनी फूड चेन में कोई चीज़ घट गई, मतलब बीच से कोई एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, तो उसकी कमी को ये दूसरे वाली फूड चेन से या दूसरे आसपास के एरिया से कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए इकोसिस्टम स्टेबल बना रहता है। और इसी कारणवश कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितनी ढेर सारी रंग बिरंगे फूड चेन्स होंगी, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारा इकोसिस्टम होगा। अब ये जो इकोसिस्टम वर्ड है, इसे आप देख रहे हैं, इस शब्द का इजाद करने वाले व्यक्ति थे एजी टांसले, और इन्होंने 1935 में इस टर्म को यूज़ किया था। एन इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इन कंपोजिंग कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन इट्स बायोटिक यानी लिविंग एंड एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो ये तो हमने कुछ बेसिक डिफिनीशन देखी, वही चीज़ बात जो है उसको घुमा फिरा कर यहाँ बार बार कहा गया है। अब यहाँ एक पॉन्ड का एग्जांपल लिया गया है, माने एक तालाब को आप ले लीजिए जो कि एक सरल उदाहरण है, और ये छोटा सा क्लोज इकोसिस्टम है, मतलब बंद है चारों तरफ से, इसमें कहीं से भी कोई ओपन एरिया नहीं है कि इसका जो फूड चेन है या इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो लंबी हो जाए, संक्षिप्त है, और इसीलिए हम इसको देखते हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लोज्ड और इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम। तो इससे बेहतर हमें एग्जांपल एक छोटे तौर पे नहीं मिल सकता है समझने के उद्देश्य से। इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी इट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसे देख लेते हैं। इट वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी। तो ज़्यादातर इकोसिस्टम जो है वो सोलर एनर्जी पर सीधे सीधे वर्क करते हैं, और जो सीधे तौर पे वर्क करते नहीं दिखाई देते हैं उनके पीछे भी कहीं ना कहीं जो सोलर एनर्जी है वही रिस्पॉन्सिबल होती। अब यहाँ दिया हुआ है कि इट वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी एंड मेंटेन्स इट्स बायोटिक कम्युनिटी इन इक्विलिब्रियम। तो ये तो हमने पॉन्ड के इकोसिस्टम के बारे में देखा। अभी यहाँ कुछ और फुटकर चीज़ें हैं, जैसे कि इकोसिस्टम इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये नेचर की फंक्शनल यूनिट। एन इकोसिस्टम बी एज स्मॉल एज वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट जितना ये छोटा भी हो सकता है। अगर आकार की हम बात करें, जब हम इकोसिस्टम वर्ड को सुनते हैं या टर्म को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ा दायरा होगा, लेकिन ऐसा हमेशा हो या आवश्यक नहीं है। ये बहुत बड़ा हो सकता है जैसे कि ओशियन, और बहुत छोटा हो सकता है जैसे कि पानी की एक छोटी सी बूंद, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो इकोसिस्टम के तौर पर वो हमें दिखाई देते। अब यहाँ पर दो अलग अलग साइंटिस्ट्स के नाम दिए हुए हैं, इसमें एक तो कार्ल मॉबियस है और दूसरे फोर्ब्स हैं। अब इन दोनों जने ने ये जो इकोसिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट है इसको दो अलग अलग नामों से पुकारा था, मतलब ये आइडिया जो है इसको दो अलग नामों से इन्होंने पुकारा था। इसमें मॉबियस का कहना था कि ये बायोसिनोसिस है, ठीक है, और जो फोर्ब्स थे उनका कहना था कि ये माइक्रोकॉस्म है। तो ये दोनों के अलग अलग अपने विचार हैं। अब इसके साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इकोसिस्टम इन नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी हैं उन्हें भी हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। दो प्रकार का होता है, एक स्थलीय होता है एक जलीय होता है। तो स्थलीय पारितंत्र में सीमित दायरा है, लेकिन जलीय पारितंत्र यानी जो ओशियन या जितने भी एक्वाटिक सिस्टम में आ सकते हैं एरिया, उसमें सिर्फ ओशियन नहीं बल्कि छोटे छोटे जो पानी के सोर्स हैं वो भी आ सकते हैं, तो उन सबको मिला लें तो वो बड़ा है। इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे कि आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अगर डिवाइड कर दें तो इसमें ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल हो जाएंगे। अभी इनको भी हम विस्तार से देखेंगे। एक्वाटिक इकोसिस्टम में लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और सबसे बड़ा तो ओशियन है, या फिर उसके छोटे पार्ट के तौर पर सीज को देखें। तो ये है हमारे इकोसिस्टम के मोटे तौर पर डिवीज़न। अब 71% जो हमारी अर्थ का एरिया है वो पूरा कवर्ड है किससे? एक्वाटिक इकोसिस्टम से, यानी बड़े दायरे में क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम मौजूद है, यानी पानी ज़्यादा है और पानी के अंदर जो जीवन है उसे हम उसमें देखते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत समय पहले एक बड़ा सा लैंड एरिया था, मतलब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा रूप था, सभी जितने भी कॉन्टिनेंट अभी हम देख रहे हैं वो सब एक में मिक्स थे, और उसे हम लोग कहते थे पैंजिया, और उसके चारों ओर जो वाटर बॉडी थी उसको कहते थे पैंथालासा। बाद में जब टेक्टोनिक मूवमेंट तेज हो जाते हैं और तमाम जो अन्य फोर्सेज हैं वो काम करते हैं, तो ये दो पार्ट में पहले डिवाइड होता है, एक तो गोंडवाना लैंड और दूसरा लॉरेंशिया यानी अंगारा लैंड, और बाद में इनके भी टुकड़े होते हैं। तो ऐसे कॉन्टिनेंट्स डेवलप होते हैं, और वो अभी भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। अब 71% जो हमारी अर्थ का एरिया है यानी अर्थ का पूरा ऊपर का सर्फेस है वो कवर है किससे? एक्वाटिक इकोसिस्टम से, और दिस सिस्टम इज स्प्रेड ओवर द मोस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो सीधी बात है, 71% अगर घेर रहा है तो यही तो मोस्ट एरिया में कवर करेगा। अब देखिए, द ओशियन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोसिस्टम। ओशियन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा। अबाउट 97% ऑफ एग्जिस्टिंग हाइड्रोस्फीयर ऑन अर्थ इज सी वाटर। मतलब जितना भी हाइड्रोस्फीयर अर्थ पे मौजूद है, जितना बड़ा दायरा हम हाइड्रोस्फीयर का देखते हैं, उसमें 97% जो है वो सी वाटर है, यानी ओशियन का वाटर है या समुद्रों का पानी। सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट एविडेंट, 85% साल्ट इन सी वाटर। सी वाटर जो है वो नमकीन होता है, स्वाद में खारा, तो उसके अंदर से जो नमक हम प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? NaCl होता है, यानी सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनने वाला सोडियम क्लोराइड। तो यही यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, यानी 85% के अमाउंट में पाया जाता है। बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ सॉयल, रॉक, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर क्या होता है? तो ये एक पतली लेयर होती है जिसमें कि सॉयल, रॉक, वाटर, एयर सब कुछ आते हैं, मतलब पानी, जमीन और हवा, ये सब कुछ इसमें मिला लेते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ द अर्थ क्वाड्रेंटल।
विथ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड विथ दिस सिस्टम इज द सस्टेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ नीचे एक फिगर बना हुआ है, इसे आप देखिए, इसमें इंडिविजुअल दिए हुए हैं, उनके बाद पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद उससे बनने वाली कम्युनिटी है। जब कई सारी कम्युनिटीज एक साथ आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर जाती हैं और आसपास रहने लगती हैं, तो वो आपस में मिलकर एक इकोसिस्टम जनरेट करती हैं, और कई सारे इकोसिस्टम मिलकर जब आपस में इंटरेक्ट करना चालू करते हैं और आसपास अपना डेवलप होने लगते हैं, तो इससे बायोम बनता है। फिर बायोम जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे बायोस्फीयर बनता है। यही है पूरा सिस्टम। मतलब इसमें एक सिंगल यूनिट से हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले तो जो प्रोड्यूसर है वो आते हैं यानी हरे पौधे, और हरे पौधे पर जीवन यापन करने वाला या हिरण या बारहसिंघा जो आप इसे कह लीजिए, ये बारहसिंघा है एक्चुअली, तो ये इंडिविजुअल हो गया। उसके बाद इसकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी कम्युनिटी हो गई। फिर ये इकोसिस्टम बायोम वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे आप देख रहे हैं एक क्रम से। अब कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के हैं उसको देख लेते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम ये क्या है, दे आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू, फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो एबायोटिक है और दूसरा जो है वो बायोटिक है। ये सिंपल है। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है लेकिन जिंदा जीवों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इन्हीं के आपस में कॉम्बिनेशन से, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है, इससे सेल्स बनती हैं, सेल्स से फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर जो ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं, फिर पूरी ह्यूमन बॉडी या जितने भी ऑर्गन्स में उनकी बॉडी जो है वो डेवलप होती है। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर देखिए, द एबायोटिक कंपोनेंट कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। तीन पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है या तीन कैटेगरी में। एक तो फिजिकल फैक्टर है, यहाँ आप देख रहे हैं फिजिकल फैक्टर है जिसमें कि सनलाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर भी इसी में आता है, और भी इस तरह के नेचुरल फिनोमिना जो है ये सब इसके अंदर सम्मिलित हैं। दे सस्टेन एंड लिमिट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी सहायक होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, और साथ में उसको लिमिटेड भी रखते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ को लिमिटेड रखते हैं, उसकी आबादी को बेहिसाब बढ़ने नहीं देते। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में पहली चीज़ तो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, इसके अलावा सल्फर, वाटर, रॉक, सॉयल, अदर मिनरल्स, हालांकि कार्बन की उपस्थिति जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पर इम्प्योर कंडीशन की बात नहीं हो रही है। तो ये हमने देखा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को। जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड की बात है तो उसमें तो कार्बन साक्षात उपस्थित है, तो वो इनऑर्गेनिक में नहीं आएगा। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, इसके अलावा लिपिड्स हैं, ह्यूमिक सब्सटेंसेस इसके अंदर आते हैं। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि ईंटें होती हैं मकान को बनाने में इस्तेमाल होती हैं, मतलब पहले हम नींव डालते हैं, फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसके ऊपर जो वॉल्स हैं उन्हें डेवलप करते हैं, पिलर्स बनाते हैं, फिर ऊपर ढलैया करते हैं। तो वो पूरा जो काम है वो हमारे शरीर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है। सबसे जो छोटी इकाई है वो हम सेल को मानते हैं, तो सेल जो है वो इन्हीं एबायोटिक कंपोनेंट्स से बनी होती है। बाद में इन्हीं सेल्स से ढेर सारे टिश्यू और फिर जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं। अब यही दिया हुआ है, एंड देयरफॉर मेक अ लिंक बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर लाइट को देख लेते हैं। तो लाइट क्या चीज़ है? सोलर रेडिएशन प्रोवाइड्स एनर्जी दैट कंट्रोल द इंटायर सिस्टम। अगर हम अपने पूरे इकोसिस्टम या अपने पूरे एनवायरनमेंट को देखें अपनी मदर अर्थ पे, तो हम पाएंगे कि सोलर एनर्जी ही सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का। और कहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे? जहाँ से हमें ये लगता है कि ये वाली एनर्जी जो है ये तो सोलर एनर्जी नहीं हो सकती है, ये तो केमिकल एनर्जी है या जिस भी तरह की, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी ही होती है। मतलब कहीं ना कहीं से वो चीज़ सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके अपने अंदर स्टोर करके रखती है, और उसी को हम यूज़ करके सोलर एनर्जी को ही एक दूसरे फॉर्मेट में प्राप्त कर लेते हैं। तो मेन सोर्स जो एनर्जी का है वो सूर्य है। सूर्य एक तारा है और इसी के आधार पर, मतलब इसकी ग्रेविटी में बंधे हुए जितने भी प्लैनेट या जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है उसके चारों ओर घूम रही है, और इससे पूरा सोलर सिस्टम जनरेट हुआ है। तो हमारी अर्थ भी उसी में से एक। अब यहाँ आप देखें कि पेनिट्रेशन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। अब यहाँ पानी के ऊपर हम लोग आ गए हैं सीधा, क्योंकि लाइट की बात कर रहे हैं। तो जो लैंड एरिया है या टेरेस्ट्रियल पार्ट है वहाँ तो हम देखते हैं कि सीधे सीधे सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त हो पाता है, लेकिन हालांकि वहाँ भी ये ध्यान देना चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वहाँ से होकर सनलाइट हम तक पहुँचती है। तो बीच में ओजोन लेयर और जितने भी जो स्पीयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ये सब बीच में जो एटमॉस्फेरिक लेयर हैं उनसे होकर सूर्य का प्रकाश गुजर रहा है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम वाटर बॉडी को देखें, यानी जो ओशियन का पार्ट है या जो पूरा वाटर का अमाउंट है, तो उसमें वाटर की ट्रांसपेरेंसी पर निर्भर करता है कि उसके अंदर लाइट कहाँ तक पेनिट्रेट करेगी, यानी कहाँ तक पहुँच पाएगी। और जहाँ तक सनलाइट की पहुँच होती है वहाँ तक ऑर्गेनिज्म प्रचुर मात्रा में, मतलब उनकी डेंसिटी या डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम डीप सी या डीप जो वाटर बॉडी है उसमें एंटर करते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि सनलाइट जो है उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं पहुँच पाती, इसलिए अंधेरा छाया रहता है, टेम्परेचर भी वहाँ का कम रहता है, और वहाँ उतनी ज़्यादा जनसंख्या या उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। तो ये सनलाइट पर डिपेंड करता है। और अगर कोई सामान्य छोटी सी वाटर बॉडी है तो वहाँ पर यह निर्भर करेगा कि वो पानी जो है वो पॉल्यूटेड है। अगर पॉल्यूटेड है तो निश्चित रूप से धुंधला होगा, उसके अंदर मटमैलापन होगा, तमाम धूल मिट्टी या जो गंदगी है वो घुली हुई होगी, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी तो वैसे ही खराब होती है, तो
उसके अंदर भी क्वालिटी उसकी खराब हो जाएगी। मतलब पहली चीज़ तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होने लगेगी। दूसरा यह है कि यूट्रोफिकेशन का अगर वो शिकार हो गया तो ऊपर से सनलाइट उस पर अगर पड़ेगी भी तो अंदर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बीच में बहुत सारी जो एल्गी हैं वो डेवलप होने लगेंगी। तो ये एक अलग समस्या है। इसीलिए यहाँ पर वाटर बॉडी की बात की गई है। अब ये बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व और सस्पेंडेड पार्टिकल इन वाटर एंड नंबर ऑफ प्लैंकटन्स, उस पर ये डिपेंड करती है। मतलब कितने मात्रा में वहाँ पे प्लैंकटन्स हैं या फिर जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो सब मौजूद। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ लाइट पॉन्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू यूट्रोफिक यूफोटिक मेसोफोटिक एंड एफोटिक जोन। इसमें जो तीन जोन है उसमें से डेवलप डिवाइड किया गया है। और प्लेंटी ऑफ लाइट इज अवेलेबल टू प्लांट एंड एनिमल इन यूफोटिक जोन। जो यूफोटिक जोन होता है वहाँ पे प्लांट या जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको प्रचुर मात्रा में लाइट प्राप्त होती है। सूर्य का प्रकाश जो है वो एक बड़े अमाउंट में प्राप्त होता है जितनी उन्हें ज़रूरत होती है। और जो एफोटिक जोन होता है वहाँ पे ये लाइट एकदम से नहीं पहुँचती है, मतलब एकदम ही इसकी उपस्थिति नहीं होती। अब इसके बाद देखते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेज को। तो इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेज में आप देखें, दीज आर वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसके अतिरिक्त अब इसमें कार्बन को आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक में चले जाएंगे, बाकी जो है उनको देखते हैं। तो वाटर, नाइट्रोजन, इसके अलावा फास्फोरस, कैल्शियम एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ द पॉन्ड। यहाँ पे पॉन्ड को ही बेस बनाया है हमने, क्योंकि वो एक क्लोज और कंप्लीट इकोसिस्टम हमें दिखाई दिया था, तो इसीलिए उसी को आधार बनाकर यहाँ डिफिनीशन भी दी हुई है। तो इसमें ये बताया गया है कि वाटर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस प्रकार के जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, तो ये कितनी मात्रा में पानी के अंदर होंगे। अब इसमें जो वाटर है उसे तो आप देख ही रहे हैं, वो तो H2O मेन फैक्टर है पूरे पॉन्ड में, वो मुख्य चीज़ है, उसी से तालाब बना हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर डिजॉल्व रहती हैं। और पानी एक बहुत अच्छा विलायक है, ये आप जानते ही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें घुल सकती हैं। तो कितनी मात्रा में कौन सा सबस्टेंस या कौन सा एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉन्ड की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर मौजूद है और कैसा है। अब यहाँ आप ये भी देखिए कि द इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक तो नहीं है, लेकिन आर डिजॉल्व इन स्टेट, माफ कीजिएगा, इन डिजॉल्व स्टेट इन वाटर, ये घुली हुई अवस्था में पानी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है ना, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो भी डिजॉल्व स्टेट में पाई जाती है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर फूड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड अदर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स आर हेल्ड इन रिजर्व इन बॉटम सेडिमेंट्स एंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन मे बी इन द डिजॉल्व स्टेट। बहुत सारा जो है वो तो जो बॉटम सेडिमेंट्स है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर स्टोर रहता है इनका अमाउंट, और बहुत जो स्मॉल फ्रैक्शन या स्मॉल अमाउंट है वो डिजॉल्व स्टेट में पाया जाता है, यानी पानी के अंदर घुली हुई अवस्था में होता है। तो ऐसी स्थिति होती है, मतलब तालाब के अंदर, तालाब भी एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, बहुत से इतने छोटे हैं जिन्हें कि हम ऐसे सामान्य आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह के जो बड़े ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब मौजूद हैं उसके अंदर। तो उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं वो पॉन्ड के अंदर मौजूद रहते हैं, नेचुरली मौजूद रहते हैं। वैसे अगर कोई वहाँ पे अनस्टेबिलिटी फैलती है तो उसकी वजह से किसी की मात्रा कम हो सकती है, तो उससे पानी की गुणवत्ता ही खराब होती है। तो वही बताया गया है कि बड़े स्मॉल फ्रैक्शन में ही ये डिजॉल्व स्टेट में पाए जाते हैं, बाकी जो है कहीं ना कहीं इनका डिपॉजिट होता है, मतलब जो अवसाद होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ आप देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ है, तो कहा गया कि द कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक मैटर इन द पॉन्ड आर एमिनो एसिड एंड ह्यूमिक एसिड। यहाँ पर दो जो कॉमनली प्राप्त होने वाले ऑर्गेनिक मैटर हैं ये कौन कौन से हैं, एक तो एमिनो एसिड्स के जो अलग अलग वेराइटी है वो आप देखते हैं, और उसके अलावा ह्यूमिक एसिड्स हैं एंड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट। इसके अलावा जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं मरे हुए जानवरों और पौधों के, वो भी इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितने ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पाए जा रहे हैं सब अमर हैं, कभी ना कभी तो मरते होंगे, वही हाल प्लांट्स का भी है। तो ये जब मरते हैं तो उनकी जो डेड बॉडी है वो भी यहाँ पर मौजूद रहती है, तो इसके अंदर भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो पाया जाता है। दे आर पार्शियली डिजॉल्व इन वाटर एंड पार्शियली सस्पेंडेड इन वाटर। इनका जो कुछ भाग है वो समय के साथ वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और कुछ जो है वो उसी में लटका रहता है। बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको देख लेते हैं। तो इसके कई सारे पार्ट हैं, आप जानते ही हैं, पहला जो बेसिक इसमें फंडामेंटल पार्ट है वो तो प्रोड्यूसर्स का है, यानी हरे पौधों की बात हो रही है। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द इंटायर इकोसिस्टम। ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं और पूरे इकोसिस्टम को भोजन उपलब्ध कराते हैं। इन पर आश्रित रहने वाले जो वेजिटेरियंस हैं वो इन्हें खाते हैं, तो उसका मतलब प्लांट्स के अंदर स्टोर जो एनर्जी है उसका 10% उनको प्राप्त हो जाता है। फिर ये जो वेजिटेरियंस हैं इनको खाने वाले जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर हैं या टर्शियरी हैं, तो वो क्रमशः इसका 10-10% प्राप्त करते हैं। मतलब 10% वाला जो फार्मूला है एनर्जी के फ्लो के तौर पर
उसके तौर पे उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है और बाकी जो है वो हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है। मतलब एक बड़े पैमाने पर एनर्जी और हीट, हीट भी एक एनर्जी ही है, तो उसका यहाँ से लॉस होता है। एक सीमित मात्रा में ही ऊर्जा जो है वो एक सिस्टम से या एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर हो पाती। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरे इकोसिस्टम को ये खाना उपलब्ध कराते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नाम का जो प्रोसेस है उसके द्वारा। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉयल। जो सॉयल है यानी मिट्टी है, वहाँ से इनकी जड़ें वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से प्राप्त कर लेते हैं और सोलर एनर्जी जो इनके ऊपर पड़ती है, मतलब सूर्य का प्रकाश जो इनके ऊपर आता है, उसे ये कैप्चर करके अपना काम कर लेते हैं, यानी भोजन बनाने का काम इनका हो जाता है। कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं, तो कंज्यूमर्स की तादाद अच्छी खासी है। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स एंड दे कंज्यूम फूड सिंथेसाइज बाई द ऑटोट्रॉप्स। पहले हरे पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं और उसके बाद इन हरे पौधों और हरी जो वेजिटेशन है इनका सेवन करके ये जो वेजिटेरियन है या फिर आप जितने भी कंज्यूमर्स को देख लीजिए वो सब अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन फूड प्रेफरेंसेस दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। तीन बड़ी बड़ी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक तो हर्बीवोरस है, यानी जैसे शाकाहारी जीवों में जितने हैं सबको डाल दीजिए, इसमें बोवियंस हैं, इसके अलावा डियर है, रैबिट है और तमाम है। और ये फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, मतलब ये पौधों को सीधा खाते हैं, घास चरते हैं या जो पत्तियां हैं पौधे हैं उनका सेवन करते हैं। जैसे एक शाकाहारी मनुष्य अगर है तो वो क्या करेगा, वो अनाज खाएगा, अनाज को अपने भोजन के तौर पे इस्तेमाल करेगा, सब्जियों का सेवन करेगा और हाँ मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट जो है उसको यूज़ करेगा, तो इसके लिए वो जो बाकी वेजिटेरियन है उन पर निर्भर रहेगा। इस तरह की चीज़ें मनुष्य को वैसे भी सर्वाहारी मानते हैं तो उसको हम अलग ही रखेंगे, विशेष रूप से यहाँ बोवियंस या जितने भी चौपाया पशु हैं उनको ले लेते हैं, मतलब जो शाकाहारी। तो ये क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को प्राप्त करते हैं। पौधों के बाद जो सबसे मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी प्राप्त होती है वो इन वेजिटेरियन यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं इनको प्राप्त होती है। बाकी जो इसके बाद वाले लेवल है उसमें एनर्जी का जो अमाउंट है वो कम होता जाता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं तो फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स कार्निवोरस आर एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, इस तरह के बहुत सारे जो जीव हैं। और ओमनिवोरस जो होते हैं ये किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इन्हें दोनों चीज़ चाहिए होती है, ये प्लांट्स को भी खाते हैं और जो बाकी एनिमल्स हैं जो इनके भोजन के दायरे में आते हैं उनका भी सेवन करते हैं। सर्वाहारी जैसे मनुष्य, मनुष्य इसमें आता है, सुअर भी इसी में आते हैं, गौरैया भी इस प्रकार की होती है। गौरैया जो है वो अनाज का दाना भी खाकर रह सकती है और कीड़े मकोड़े भी खाती है। तो ये तो हमने कंज्यूमर्स को देखा। अब इसके बाद डिकम्पोजर्स का नंबर आता है जो कि प्रकृति में एक अहम स्थान रखते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। डिकम्पोजर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।